सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल साइलेंस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं, जब भी हम IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से तत्काल टिकट बुक करते हैं तो हमारा IRCTC रेल कनेक्ट ऐप है जो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है। इस स्थिति में हमें क्या करना है जिससे IRCTC रेल कनेक्ट ऐप लॉग आउट भी ना हो और कन्फर्म तत्काल टिकट बुक कर पाए, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई के भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को प्ले स्टोर से आपको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आपको किस टाइम लॉगिन करना है, जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे, AC बुक करना है या फिर स्लीपर बुक करना है, तो आपको 1 मिनट पहले लॉगिन करना है। यदि आप 2 मिनट 2.5 मिनट पहले यदि लॉगिन करते हैं तो आपको IRCTC रेल कनेक्ट ऐप ऑटोमेटिक लुकआउट हो जाएंगे। जब आप पैसेंजर डिटेल फिल करते हैं, पैसेंजर डिटेल फिल करने के बाद जैसे ही कंटिन्यू करते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को प्ले स्टोर से अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद 1 मिनट पहले आपको लॉगिन करना है। तो मैं फटाफट लॉगिन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड में मैंने IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद सिंपल यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। लॉगिन करने के बाद मैंने यूजर नेम पासवर्ड ऑलरेडी फिल करके रख चुका हूँ, तो आपको यूजर नेम पासवर्ड फिल करना है, इसके बाद कैप्चर फिल करना है, इसके बाद फिर से आपको लॉगिन करना है। तो मैं फटाफट लॉगिन करता हूँ। मैंने यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड फिल कर दिया हूँ, इसके बाद लॉगिन कर लेता हूँ। जब भी आप लॉगिन करेंगे IRCTC रेल कनेक्ट ऐप पे तत्काल टिकट बुकिंग टाइम, तो आपको 1 मिनट पहले लॉगिन करना है। मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपको करना क्या है, प्लान माई जोनी पे क्लिक करना है। प्लान माई जोनी पे क्लिक करने के बाद आपको आपको फॉर्म स्टेशन सेलेक्ट करना है, तो मैंने ऑलरेडी न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद आपको टू स्टेशन सेलेक्ट करना है, तो हमें मुजफ्फरपुर के लिए टिकट बुक करना है, तो मैंने यहाँ पे मुजफ्फरपुर सेलेक्ट कर दिया हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे कोटा सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपको तत्काल कोटा सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट करना है, यानी कि आपको आज 16 तारीख है, 17 तारीख के टिकट बुक करना है, तो आपको यहाँ पे 17 तारीख सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि 1 दिन आगे का डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको सर्च ट्रेन का एक ऑप्शन मिल जाता है, सर्च ट्रेन पर आपको किस टाइम क्लिक करना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको जब भी तत्काल टिकट बुक करेंगे, यदि स्लीपर क्लास है, तो 11:01 से 2 सेकेंड पे आपको सर्च ट्रेन पे क्लिक करना है। मैं सर्च ट्रेन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो सर्च ट्रेन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, इस रूट पे जितने भी ट्रेन होंगे आपको देखने को मिल जाएंगे। जिस ट्रेन में आपको टिकट बुक करना है, सिंपल आपको क्लास सेलेक्ट करना है। क्लास सेलेक्ट करने के बाद पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पर फटाफट क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है, इसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है, तो मैंने क्लिक कर दिया। जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो पैसेंजर डिटेल आपको मास्टर लिस्ट में सेव करके रख लेना है पहले से ही। आपको ये नहीं पता कि मास्टर लिस्ट में कैसे सेव करते हैं, तो मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूँ। आई बटन में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी पैसेंजर डिटेल में फिल करके रख चुका हूँ। सिंपल आपको फटाफट सेलेक्ट करना है। जब भी आप IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से तत्काल टिकट बुक करते हैं, आप कोशिश कीजिए 2 नाम ही बुक करें। इसके बाद नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे देख लीजिए ऑलरेडी मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल है। इसके बाद यहाँ पे बुक टिकट ओनली कन्फर्म बट अलाउ कर सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं। इसके बाद नीचे आना है, इसके बाद आपको एड्रेस फिल करना है। आपको जब भी एड्रेस फिल करेंगे तो फर्स्ट लाइन में आपको फिल करना है और इसके सेकेंड में आपको डायरेक्ट आपको एरिया पिन कोड फिल कर देना है जहाँ पर आपको जाना है। तो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे आपको इंश्योरेंस का ऑप्शन आता है, इंश्योरेंस आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट जो आपको IRCTC पेज लॉग आउट होता है, आपको क्या मिस्टेक करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको रिव्यू जोनी डिटेल का एक ऑप्शन मिल जाता है। रिव्यू जोनी डिटेल पर आपको क्लिक कब करना है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम यहाँ पर पैसेंजर डिटेल और इसके बाद एड्रेस फिल करते हैं, इसके बाद काफ़ी तेज़ी से हम रिव्यू जोनी डिटेल पे क्लिक कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, 2-15 सेकेंड 20 सेकेंड या 30 सेकेंड तक प्लीज वेट का ऑप्शन आता है, इसके बाद ऑटोमेटिक अनेबल टू परफॉर्म कर लॉग आउट हो जाता है। तो आपको यहाँ पे रिव्यू जोनी डिटेल पे क्लिक करना है। जब आपको 11:01 से 4 सेकेंड होगा तभी आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 से 5 सेकेंड प्लीज वेट का ऑप्शन आएंगे, इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे और आपका पेज भी लॉग आउट नहीं होगा। इसके बाद देख सकते हैं मेरा सेकेंड पेज पे मैं आ चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पे फटाफट कैप्चर फिल कर लेता हूँ। जब आप तत्काल टिकट बुक कर रहे हो तो यहाँ पे कैप्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे प्रोसेस टू पे पे क्लिक करना है, इसके बाद एस कर देना है। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट ऑप्शन पर आ चुका हूँ। इसके बाद सिंपल क्या करना है, वॉलेट पर क्लिक करना है और यहाँ पर पेटीएम सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे का ऑप्शन आ जाता है, पे पे क्लिक करना है। जैसे ही पे पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट हो गया हुआ है। लेकिन एक बात को ध्यान रखना है, जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो जब भी आप IRCTC पे अकाउंट बनाए होंगे तो उसमें जो मोबाइल नंबर आप दिए हुए हैं उसी मोबाइल नंबर से आपको पेटीएम अकाउंट क्रिएट कर लेना है, और जिस मोबाइल से टिकट बुक करेंगे उसी मोबाइल में वो सेम होना चाहिए। क्यों, इससे क्या होगा, आपका आपके मोबाइल पर एक OTP आएंगे,
ओटीपी आपको ऑटोमेटिक सिर्फ आपको कॉपी करके पेस्ट कर देना है, पेस्ट करना, इसके बाद आपको डायरेक्ट लॉगिन करना है, इसके बाद सबमिट करना है, तो आपका पेज भी लॉग आउट नहीं होगा और बिल्कुल आसानी से आप तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद है तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।